हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट पर्पस। और दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई मैं जो एक स्क्वाड गेम प्ले खेल रहा था, और यहाँ पर से मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैंने जो है सिल्वर एक्सूट भी पहन लिया था, क्योंकि भाई मैंने इसका जो है आपको अभी तक एक भी गेम प्ले नहीं दिखाया था। अच्छा, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा आपको इसलिए मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि भाई यहाँ पर जो स्क्वाड खेल रहे ना उसमें से दोस्तों सिर्फ मैं जो है एक ही बंदे को जानता था, जो कि मेरा दोस्त है भाई डाकू। अब यहाँ पर दोस्तों भाई जो नंबर वन है वो तो मेरा फ्रेंड था, लेकिन भाई नंबर वन का फ्रेंड था नंबर तीन, जिसका नाम था डेंजरस। वेरी गुड। और भाई नंबर चार आया था ऑटो मैचिंग से। आपको पता है ना भाई ऑटो मैचिंग के बंदे कितने खतरनाक होते हैं। yes! तो भाई यहाँ पे दोस्तों भाई हमारे साथ वो आ तो रहा था, लेकिन भाई वो कितनी देर तक टिकेगा और क्या दोस्तों हम इस मैच में चिकेटर निकाल पाएंगे। और भाई एक बात और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम सब ने मिलकर 34 किल करे, तो भाई 34 किल करने के बाद भी क्या दोस्तों हम इस मैच में चिकेटर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, और सबसे ज्यादा कौन किल करेगा वो भी ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर दोस्तों बस आप इस वीडियो को बड़े तक देखते रहना भाई, बहुत ही ज्यादा मजेदार ये वीडियो होने वाली है। अब मजा आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्लेन पाथ था ना भाई वो जो है गटका से होते हुए जा रहा था भाई मिलटट्टी पावर तक में, मतलब गुटका से मिलटट्टी पावर तक। तो मैंने कहा बीच में आ रही है पोचकनी और वहाँ पे आ रहा है निम्बस आइलैंड, तो मैंने कहा भाई हम जो है टेम्पल वाले जो है निम्बस आइलैंड पे चलते हैं। और भाई कुदाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, हालांकि हर मैच में मुझे ही मिलती है जिम्मेदारी कुदाने की, लेकिन भाई फिर भी जो है मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, जब इतना तुम बोल रहे हो तो मैं कूद ही जाता हूँ लेके तुम लोगों को। और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं कूद जाता हूँ इन लोगों को लेके भाई निम्बस आइलैंड के ऊपर में। अब यहाँ पर तो मैं कूद तो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि भाई मेरा जो मार्क था ना मेरे को उसके हिसाब से क्या करना था, मेरा प्लानिंग हमेशा ये रहती है कि भाई यहाँ से दो चार गन उठाओ और नीचे कूद जाओ, और भाई यहाँ पे दोस्तों नीचे तीन चार कमलेश मिल जाएंगे, तीन चार बंदे मिल जाएंगे, उनको मारो खेड़ी बढ़ाओ और यहाँ से निकल जाओ मतलब लॉबी में, क्योंकि भाई उसके बाद तो हम जिंदा नहीं बचेंगे ना। तो यहीं पे दोस्तों मेरा यही प्लान था। और यहाँ पर तो भाई अब जो है ना देखने जाना क्या होने वाला है। अब यहाँ पर तो भाई मैं जैसे ही उतरता तो भाई मेरे को लाल लाल टमाटर बना देते हैं लोग, और भाई मैं लूटा पार्टी कर रहा था मस्त। मैंने कहा आज तो मस्त लूट मिल गई है, चलो बस जल्दी से नीचे कूदने का प्लान बनाते हैं। और भाई सामने मुझे एक ढिंचक पूजा भी दिख रही थी, तो मैं काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मैंने कहा अरे यस ढिंचक पूजा भी मिल गई है और मस्त यहाँ पे जो है लूटा पार्टी भी हो रही है। तो भाई लेकिन भाई इतने में जो है ये बंदा आता है, बोलता तेरी करवाता हूँ मैं लूटा पार्टी। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, तेरी मैं करवाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों ये जो भाई मेरी सही में लूटा पार्टी करवा देता है और भाई मेरे टमाटर को मार मार के मेरे को मतलब लाल कर देता है। और मैंने कहा भाई एक कृपा कर दे बस मेरे ऊपर भाई, मुझे नॉक फिनिश मत करियो भाई प्लीज भाई, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मैं मली जाऊंगा भगवान बचा लो। लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों कोई दया की भीख नहीं मिलती मेरे को, और भाई ये जो है मेरी पेटी यहीं चमका देता है। अब यहाँ पर दोस्तों भाई मेरी पेटी जो चमक गई थी ऊपर ही, तो मेरे को भाई जो है अब नीचे डिसाइड करता है मुझे कहाँ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों भाई ये जो है मुझे फेंक डालता है मतलब भाई किस साइड में, और भाई मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मैं कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ, अरे मैं किधर हूँ, अच्छा मैं वाटर सिटी के पास में हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास में ही पिरामिड है मतलब टेंपल वाला निम्बस आइलैंड, तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं नीचे कूद रहा हूँ, वैसे ही मुझे नीचे जाना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी बस अब मेरे पास लूट नहीं है। अब यहाँ पर तो मैं नीचे जा तो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं सोच रहा था कि यार कमलेश कैसे मिलेंगे अब मुझे, क्योंकि मैं जो है ना टेंपल के एकदम नीचे तो नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ। तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ भाई टेंपल के नीचे ना आपको तीन चार कमलेश मिल जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा सच बता रहा हूँ, और यकीन ना तो बस आप देखते जाना। अब यहाँ पर तो जैसे ही मैं कूदा ना मतलब पोचिंग के पास जो नीचे वाला ढलान में स्क्वाड्स होता ना वहां कूदा था मैं ये। और यहाँ पर तो भाई मेरे को उतरती भाई लूटा पार्टी मिल रही थी मतलब ठीक है, मतलब मेरे को लेवल 3 का बस्ता मिल गया ठीक है, पट्टी वट्टी मिल गई। और यहाँ पर मैं सोच रहा था बस थोड़ी बहुत एमओ में मिल जाए मतलब अपनी कमलेश की हरी वाली गोली वाली मिल जाए तो बस मेरी जिंदगी सफल है, मैं जो है बंदे मारने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर तो बस मैं वही ढूंढ रहा हूँ, और अब देखो बस कैसे ही जो है मेरे को कमलेश की बरसात होने वाली है। अब यहाँ पर तो मैं जो है लूटा पार्टी करते करते वेक्टर ट्रैक्टर मिल जाती है, भदड़ भदड़ भी मिल जाती है, इसमें से मैं उसकी कमलेश की हरी वाली गोली चलाता हूँ। और भाई यहाँ पर दोस्तों मैं जो बस आगे बढ़ ही रहता हूँ और मुझे आता है कमलेश फायर। अब जैसे दोस्तों मेरे को ये कमलेश फायर आता है पहले तो मैं डर जाता हूँ कि ये कमलेश तो नहीं है, कहीं विमलेश निकल जाए मतलब ठीक है कमलेश ही है ना ये। तो यहाँ पर तो मैं जो है थोड़ी बहुत और लूटा पार्टी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई दो कमलेश आपस में लड़ रहे हैं, मेरे को रुक जाओ भाई कमलेश भाई केड़ी बढ़ानी है मेरी। तो यहाँ पर मैं भाई भगता जाता हूँ और बोलता हूँ कमलेश तू इसको नहीं मारेगा ये मेरा शिकार है, और भाई इसको दोस्तों यहाँ पे मैं मार देता हूँ। उसके दोस्तों यहाँ पे जो है देखते देखते दूसरे वाले कमलेश को भी नॉक करता हूँ और भाई पूरा फिनिश कर डालता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इतने में तीसरा कमलेश आता है और भाई मैं तो इसको देख के बोलता हूँ मतलब भाई तीन तीन किल मिल गए भाई, उतरते ही भाई केड़ी बढ़ गई भाई, केड़ी मेंटेन हो गई और क्या चाहिए भाई, मतलब भाई मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा मजा आता है भाई लोगों को मार के। और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं टीममेट को बोलता हूँ भाई यहाँ पे मैंने तीन रियल बंदे मार दिए, तुम क्या देख रहे हो, क्लच कर दिया भाई मैंने यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पर तो भाई मैं जो तीन किल भी कर देता हूँ और साथ में हीरो भी बन जाता हूँ अपने स्क्वाड के सामने। मैंने बोला भाई यहाँ अभी क्लच करा भाई, तुम्हें क्या पता तीन बंदे आ गए थे मेरे मुंह पे कूद गए थे, तुम्हें पता ही नहीं है। बार बार झूठ बोलो। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इनकी कमलेश की पेटी थी ना मेरे को कमलेश की हरी वाली गोली साथ साथ आओ कमलेश मारो भी मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई मेरी लूट तो हो गई है। और भाई जहाँ पे दोस्तों मेरे जो टीममेट कूदे थे ना भाई वहाँ पे भी दोस्तों जो है ना भाई कुछ बंदे उतरे थे, तो भाई मेरे टीममेट फाइट ले रहे थे और भाई डाकू की हेल्थ तो काफी कम हो गई थी, तो भाई मैं उनको बचाने के लिए भागता हूँ कमलेश की तरह ढूंढ ढूंढ करते हुए।
अब यहाँ पे तो मैं जो इनकी तरफ भागते हुए जा रहा था, लेकिन मेरे को जो है पार्टी की तरफ से ना कुछ फायर आते हैं, और साथ साथ मैंने देखा था डेंजरस भाई भी जो उसकी मदद करने चले गए, मतलब नंबर 3 भी उसकी मदद करने चला गया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जो अपना लूटा लाटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, छोड़ो यार, मतलब वैसे भी किल तो मिलने वाले हैं ये दोनों मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर किल खा जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं लूटा पार्टी करते करते बस यम भी उठा लेता हूँ, उसके अटैचमेंट भी उठा लेता हूँ, और भाई स्टिल मेरे को ना पहाड़ से फायर आ रहा है, तो मुझे पता था कोई ना कोई तो पहाड़ है जो इनके ऊपर फायर कर रहा है, और यहाँ पर तो मेरा शक बिल्कुल सही होता है। और अभी आप देखते जाना भाई, अभी मेरे को एक बंदा दिखेगा जो कि भाई इनके ऊपर दूर से फायर कर रहा होता है। फायर है, रुक तेरे को बताता हूं। इसको क्या पता मेरी आंखों में दूरबीन है, और यहाँ पर तो भाई मैं इसको जो अपनी दूरबीन की आंखों से देख लेता हूँ, और भाई इसको नॉक कर डालता हूँ, मतलब इसके एक स्कार का एल लगा देता हूँ। और भाई तेरे दोस्तों यहाँ पे जो है डेंजरस भाई नॉक हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे एक बंदा होता है जो इसको नॉक कर देता है, और मैं डाकू से पूछता हूँ कि भाई और बंदे है क्या? ऊपर पड़ेगा तो भाई ऊपर से पड़ेगा तुम्हें राइट साइड। हां अरे वो क्या मुझे मारेगा, उसको तो मैंने नॉक कर डाला। तो यहाँ पर से बोलता है अच्छा अच्छा फिर ठीक है, मतलब और बंदे नहीं। मैंने कहा हाँ यार तुम यार क्या देख रहे हो, तुम क्या गेम खेल रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता मैंने ऊपर वाले बंदे को नॉक कर दिया है। अब लास्ट यहाँ पर जब ऊपर वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ उसका दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ उस वाले बंदे को पूरा फिनिश करने, क्योंकि भाई उसको अभी तक मैंने नॉक ही किया था, और भाई वो घुटनों के बिल तड़प रहा होगा, अरे भैया पेट में दर्द हो रहा है, अरे भाई अरे कोई दवाई दे दो, अरे कोई रिवाइव दे दो, अरे आ जाओ भाई वो बहुत दूर है भाई, अपने टीममेट को ऐसा बोल रहा हो ना वो, अरे भाई आ जाओ भाई बचा लो यार, अरे कोई नहीं है भाई आ जाओ भाई मैं सच बता रहा हूँ बहुत दूर है वो लोग। लेकिन भाई यहाँ पर जो है सबको पता होता है सब झूठ बोल रहे हैं, और भाई उसके स्क्वाड वाले उसको बचाने नहीं आते हैं, और भाई ये बेचारा घुटनों के बल तड़प रहा होता है। मैं इसको मुक्ति देता हूँ और मैं बोलता हूँ जा भाई रिकॉल हो ले, जा अपनी झीले जिंदगी भाई। यहाँ पर दोस्तों भाई मैं इसको मारता हूँ और उसके पास निकलती है यम पर स्क्रीन द गॉड गन। तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ, मैंने कहा आप देख अब तो सबसे ज्यादा खेल मैं ही करूँगा ठीक है। और यहाँ पर मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि अरे भाई देखो यार मेरे खेल हुए, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ, मतलब यार ढंग से खेल नहीं हुए, मेरे खेल विल चुरा लिए, मैं नॉक कर रहा था फिनिश किसी और नहीं कर दिया, मतलब भाई ठीक है तो मेरे किल नहीं हुआ, इन लोगों को मैं झूठ बोल रहा था ठीक है। मतलब मैंने इनको बोला था यार वो तीन बंदे जो मैंने मारे ना वो मैंने नहीं मारे, उनमें से मैंने कुछ नॉक किए, फिनिश मैंने नहीं करे सारे ठीक है। तो मैंने इन लोगों को ऐसे झूठ बोल के, और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं जो लूटा पार्टी कर रहा था बस, और भाई मेरे पास आप देख सकते कमलेश की हरी वाली मतलब गोलियां कितनी सारी हो गई, मतलब मैंने इतना ज्यादा कूड़ा बीन लिया था ना कि भाई मेरी लूट तो पूरी हो गई थी ठीक है, मतलब मेरा पूरा पेट भर गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फिर भी मैं लूटा पार्टी कर रहा था, जब तक मेरे दोस्त लोग गाड़ी लेके आते हैं भाई मैं मस्त कूड़ा वूडा बीनता हूँ, और मैं बोलता हूँ चल साइड साइड साइड, भले मैं जिंदगी में कितना भी गरीब हूँ लेकिन पबजी में मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास गरीबों। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी बनाता हूँ और इन लोगों को बोलता हूँ चलो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। और यहाँ पे तो भाई ये दोनों जो है बोलते हैं अरे भाई ये दे दो मुझे वो दे दो, मतलब आपस में बंटवारा चल रहा है इन लोगों का। मैंने कहा अरे भाई बंटवारा बाद में कर लेना यार, बंदे मार रहे नंबर 4 बुला रहा है भाई, नंबर 4 की पेटी बन जाएगी। यहाँ पे दोस्तों भाई ये जो है मान ही नहीं रहते, कभी एक को चल रहा है कभी दूसरा चल रहा है। मैंने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, उछलम कुदलम बादलम में कर लेना भाई, मतलब बाद में कर लेना, और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है नंबर 3 बोलता है कि यहाँ पे बंदा है, कोई नहीं ना बोट को छोड़ो, बोट को छोड़ो बिल्कुल चुप। अब ये बोलता है बोट है, मैंने कहा ये तो मेरा शिकार है भाई, कमलेश मेरा है बस मेरा है भाई, कहाँ है दोस्तों यहाँ पे जो मैं करता हूँ भाई, कहाँ है भाई मैं उतर गया भाई पागल को देख रहा था। और मैंने कहा यार मार दिया भाई, छोड़ी बच्ची हो क्या भाई बुरा लगता है यार, आप लोग भी जानते हो यार, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब डेंजरस भाई ने उसको मार डाला। मैंने कहा यार डेंजरस भाई ये बहुत गलत करा है आपने, मतलब भाई मैं छोड़ेगा नहीं, मतलब भाई मेरे को भाई किल चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे एक भी किल लिए हुए भाई, गलती से 2-4 किल हो जाते हैं मेरे भाई, मेरे को मेरी केडी मेंटेन करती है भाई, मुझे किल चाहिए। और भाई मैं बोल देता हूँ कि ये वाला तो मैं ही मारूंगा, और यहाँ पर तो भाई मैं फाइनली मार देता हूँ बस किस तरीके से। हालांकि मेरी भाई गन रीलोड पे चली गई थी एक मिनट के लिए, लेकिन भाई किसी तरीके से फाइनली मैं उस बंदे को मार देता हूँ, मतलब वो कमलेश ही होता है भाई, 5 किल हो गए भाई, बंदा हो या कमलेश हो बात तो एक ही है, केडी तो बढ़ती है ना। अब यहाँ पर तो भाई हम जो है भाई आगे बढ़ रहे होते हैं, और मेरा दोस्त बोलता है भाई इसको टेस्ला बना दो यार, ये बड़ी बेकार है लैम्बोर्गिनी। तो भाई मैं टेस्ला बनाता हूँ, और उसके चक्कर में दोस्तों यहाँ पर जो मेरा हो जाता है फैसला, मैंने कहा बनवा ले और टेस्ला बनवा ले टेस्ला शील्ड मेरी बन गई। अब यहाँ पर सुबह मैं किस तरह से शील्ड बनवाता हूँ और बोलता हूँ भाई फटाफट रिवाइव दे, मतलब भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, मतलब यार 3 बंदे गाड़ी चला रहे हैं, जो बंदा टेस्ला बना रहा है उसी का ये बंदा फैसला कर दे रहा है, मतलब भाई मैंने कहा भाई मेरे को रिवाइव दे फिलहाल जल्दी से कैसे भी। और यहाँ पर मैं रिवाइव लेने के बाद मैं लगाता हूँ ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ, और मुझे लग रहा था यार कहीं गेम खत्म ना हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है भाई गेम तो सामने वाले एनिमी का खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई हम मिलके ना उनकी चोटी रगड़ देते हैं। और यहाँ पर तो भाई आप देख सकते हैं पीछे ना और कुछ बंदे आ गए थे भाई नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो है बोलता हूँ भाई तुम गाड़ी चलाओ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा भाई, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो भाई मैं ही नॉक हो जाता हूँ और किल भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर तो भाई मेरा टीममेट गाड़ी चलाता है, और अभी भी पोच किनी एक बंदा था तो हम पहले उसको फिनिश करने जाते हैं। बंदा है ना तू। अब भाई हम जाते हैं और भाई इसकी तो भाई मतलब क्या ही पिटाई कर देते हैं, मतलब ये 3 बंदों को देख के ना एकदम टट्टी निकल जाती है इस बंदे की, बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया। लेकिन भाई हम जो है लूटा पार्टी कर रहे होते हैं और फिर से जो है
भाई मेरी किस्मत देखो भाई, दूसरी बार नो हो गया भाई, मतलब थर्ड पार्टी मतलब भाई सामने से तो भाई मेरे को बंदे ने मारा ही नहीं, तो भाई यार देखो इसमें मेरी गलती नहीं है। और भाई मेरे को तो लग रहा था भाई मेरे को अब रिकॉल होने का वक्त आ चुका है, मेरी लूट गई, आप देख सकते मेरी एचपी कितनी कम है। और मैंने कहा भाई बचा ले भाई, भाई बचा लो कोई, और भाई किसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं बच जाता हूँ, और भाई वो जो स्क्वाड है ना भाई वो भी डेड हो जाती है जो मैं मारती हूँ। और मेरे प्लेयर को देखा आपने कैसा लकवा पड़ा भैया, मतलब भाई इतनी बार नॉक हो गया ना तो उसकी तो लकवा ही पड़ गया, कह रहा भाई मेरी हड्डी पट्टी सब टूट गई है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी तरह से मैं इसकी हड्डी जोड़ता हूँ और लगाता हूँ यहाँ पे तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ। और यहाँ पे दोस्तों भाई तकिया वकिया लगाने के बाद ना हम जाते सीधा नंबर चार के पास करने, क्योंकि भाई नंबर चार के पास अभी बहुत सारे बंदे थे। अरे फोन भटक गया मेरा पूरा, अब यहाँ पे तो भाई हम आ जाते हैं भाई नंबर चार की मदद करने। और भाई आपको पता है हर बार की तरह जो रैंडम होता है ना भाई वो अलग ही खेल रहा होता है, और भाई ये नंबर चार खेल भी रहता है अलग, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भाई ये रैंडम बंदा थोड़ा बढ़िया होता है, और भाई बैक टू बैक जो है यहाँ पे ये बंदे रिपीट होता है। मैंने कहा भाई रुक जा भाई रैंडम भाई, हम भी तो मारेंगे कुछ, मानता हो तेरा नाम नोटी बॉय है, मतलब इसका ये थोड़ी ना कि तू नोटी नोटी बन जाएगा जादी और सबको पेल डालेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा यार ये यार गलत है, और यहाँ पर दोस्तों भाई मैं बोलता हूँ चल अब जितने तेरे को मारे थे मार दिया मेरी बारी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं निकालता हूँ अंबानी, क्योंकि मैं हूँ अंबानी, और भाई मैं दोस्तों यहाँ पर जो इस वाले घर में ना दो अंबानी फेंकता हूँ ताकि डाकू खिलना छुड़ा ले, लेकिन भाई डाकू की इतनी गंदी नियत होती है ना, मैंने कहा रुक जा डाकू मैंने नेट वेट मारा लेकिन भाई इतनी गंदी नियत, और भाई जाके एनिमी पिट जाता है। अब वो तो अच्छा हुआ मैंने आ ये दे जीगल करके जोनाथन बन के भाई सामने वाले बंदे को मार दिया। अच्छा, और डाकू जो घुटने पे आता है भाई इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे बचा लिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये नॉक फिनिश कर भी देता तो भाई ये जो है बंदा रिकॉल हो जाता अपना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भाई फाइनली मैं इसको बचा लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने बोला और दिखा ले गंदी नियत, और दिखा ले गंदी नियत, मतलब भाई इतनी गंदी नियत कौन दिखाता है खेल के चक्कर में। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं जो है भाई फटाफट से इसको मार देता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों एक लगाता हूँ तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ, क्योंकि भाई बंदे ने ना मेरी टट्टी निकाल दी थी भाई मार मार के, मतलब अच्छा खेल रहा था वो बंदा। और यहाँ पे दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अपनी काली टॉर्च फेंक के ना काली स्प्रिंग उठाऊंगा, लेकिन भाई डाकू की इतनी गंदी नियत भाई वो भी उठा लेता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है अभी तेरे को लगता है बचा के गलती कर दी, तेरे को रिवाइव करके गलती कर दी लगता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये कंपटीशन चल रहा था एक तरह से कौन ज्यादा किल करेगा, और यहाँ पे दोस्तों भाई रैंडम भी किल कर रहा था, तो हमें जलन हो रही थी आपस में एक दूसरे से कि अरे भाई इसने इतने किल कर दिए उसने इतने किल कर दिए। अब दोस्तों आप मेरे को ईमानदारी से बताना ठीक है कौन ज्यादा किल करने वाला है, ठीक है जिस हिसाब से आप मेरा गेम प्ले देख रहे हो क्या लगता है आपको मैं किल कर पाऊंगा इन सबसे ज्यादा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो हम लूटा पार्टी कर रहे होते हैं गाड़ी जाती है ये भी मेरे हाथ से खेल निकल जाता है, और भाई ये भी जो है ले जाते हैं डेंजरस भाई। मैंने कहा अरे भाई नहीं 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 होंगे भाई मेरे इस मैच में खेल, ये मेरा गेम प्ले रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। अब यहाँ पर तो मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इन लोगों को बताया नहीं था कि मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे टीममेट मेरे को किल दुलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा ना मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर ये मेरे को मार देंगे, लेकिन दोस्तों मजा तो असली उसी में ना कि मैं इनको ना बताऊँ कि मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे किल निकालूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बस आप देखते जाना अभी क्या होने वाला आगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी तक मेरे 6 किल हुए थे, और भाई आप जैसे कि देख रहे हो मेरे टीममेट धड़ाधड़ बंदे मार रहे थे, तो भाई इनके भी कम किल होने वाले हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं बैठ जाता हूँ भाई डाकू के साथ में, और मैं बोलता हूँ चल डाकू भाई फटाफट से जो है ना अब निकलते हैं भाई मेरे को किल करने हैं भाई, मतलब भाई मैं बहुत बार नॉक हो चुका हूँ, मतलब दो बार तो मैं ऐसा नॉक हूँ कि आप लोगों को नहीं देख ही लिया होगा, मतलब मेरी गजब बेइज्जती हो गई थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं डाकू के साथ बैठता हूँ, और मैं डाकू को बोलता हूँ कि चल ना भाई कितना कूड़ा भी नहीं यार। और यहाँ पे दोस्तों अब जस्ट मेरी ड्राइविंग देखो आप, पहली टक्कर दूसरी टक्कर तीसरी टक्कर, और भाई डाकू तो कूद ही जाता है उसके बारे में, बोलता भाई गौरव भाई तुमसे ना हो पाएगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इतनी टक्कर मारने के बाद ना भाई मैं बोलता अरे भाई देख डाकू निकाल ली, तू ही मनुष्य था यार, तू जब बैठा था ना गाड़ी निकल ली थी फंस गई थी तेरे वजन से। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं भाई आगे भाई गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि एक काम करते हैं फटाफट से ना स्कूल वाले रिकॉल पे चलते हैं वहाँ पे बंदे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम धूम मचाते हुए जा रहे होते हैं, और सामने मेरे टीममेट देख रहे हैं मतलब बीड़ी वाली गाड़ी में चल रहे भाई, मतलब गाड़ी भी बीड़ी पी रही है, इंसान बीड़ी पीता है यहाँ तो गाड़ी भी बीड़ी पीती है। तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी में आ जाओ भाई, मतलब ज्यादा ही वो हो रहे हो क्या, अलग अलग गाड़ी में जाओगे सारे अमीर बन रहे। तो यहाँ पे दोस्तों भाई कोई बात नहीं सबकी अपनी अपनी चॉइस होती, तो यहाँ पे दोस्तों हम धूम मचाते हैं और निकल जाते हैं सीधा स्कूल अपार्टमेंट की तरफ। टूट जाती है टकरा जाती है, और भाई वो मेरी टेस्ला में आके बैठ जाता है, और भाई अपार्टमेंट में ना ऑलरेडी बंदे होते हैं, तो हम जो भाई पार्टी की तरफ ऊपर लाके रोकते हैं, और हम सोचते हैं भाई एक को नॉक करेंगे और रश करने चल पड़ेंगे, और अभी आप देखते जाना हम वही करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों भाई हम जो है भाई आ देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बन गया था गुटखा जोन, और आपको तो पता है गुटखा जोन जो है सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, और भाई हम दोनों बहुत डैमेज तो देते हैं लेकिन वो बच कैसे जाता है वो समझ जाता सामने वाला बंदा। और भाई यहाँ पे ये ना कई बंदे होते हैं, आप देखते जाना आप भाई छत के ऊपर 500 का बंडल फेंकता है और एक और बंदा निकलता है। अब भाई मैं जो अंदर फायर तो करता हूँ लेकिन भाई एक भी मेरे से नॉक नहीं हो पाता, और मेरे को लग रहा है यार मेरे किल नहीं हो पाएंगे, मतलब ये मेरा गेम प्ले ढंग से नहीं बन पाएगा।
इसको मेन से वहां से पढ़ रही है। अब यहां पे दोस्तों भाई जो है नंबर 4 नौ को जाता है और बोलता है अरे भाई शील्ड बना, अरे भाई ये बना, अरे भाई इतनी नीचे ढलान में जाओगे तो भाई पिटी जाओगे ना। फिलहाल तो यहां पे जो है वो तो पिट जाता है। अब हमने कहा भाई इसको रिकॉल भी करना और यहां पे बंदे मारने हैं, तो यहां पर दोस्तों मैं अपने टीममेट को मार करता हूं कि यहां पे बंदा है। लेकिन भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि भाई जब भी आप मार करते हो ना तो आपके टीममेट किल चुरा लेते हैं और वही होता है आप देखते जाना। लो भाई ये भी किल चुरा लिया और यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक और बंदा दिखता है, लेकिन भाई ये वाला मैं मार्क नहीं करता और मैंने बोला चलो भाई रशी करते हैं, छोड़ो यार जब तक वो रिवाइव हो जाएगा और मैं जाके किल चुरा लूंगा, मेरा दिमाग यही चल रहा था। अब फिलहाल तो यहाँ पे जो हम जाते हैं और अब देखो बस क्या होगा। अब भाई यहाँ पे दोस्तों ये वाला बंदा भी जो है डाकू नॉक कर देता है। मैंने कहा भाई गेम प्ले जा रहा है, अब से गेम प्ले नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे दोस्तों भाई मैं जो है आप देखना क्या करने वाला हूँ। नेड कर रहा है, नेड कर रहा है भाई, कोई नेड करे चाहे कोई टट्टी करे, लेकिन अब तो मैं ही मारूंगा। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला बंदा हवा में रह जाता हाथ में नेड लेके, आज तो नेड मार दूंगा, लेकिन भाई मैं जो इसको पूरा फिनिश कर डालता हूँ। और एक बंदा भाई देखना क्या करेगा, ऊपर करो भाई, बग्गी लेके भाग रहा था। मैंने कहा अरे भाई बग्गी लेके भागे, रुक तेरे को मैं बताता हूँ। और भाई मैं कूदता हूँ लेकिन भाई डाकू जो है भाई इसको भी चुरा लेते हैं। मैंने कहा अरे भाई नहीं भाई नहीं 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 भाई, अरे नहीं भाई ये इसको बताना पड़ेगा भाई मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई मेरे को किल करने दे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बता नहीं सकता था, मजबूरी थी मेरी, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको नहीं बताया, ठीक है। और मैं जो भाई फाइनली काली स्प्रिंग चुरा लेता हूँ, काली टॉर्च गिरा के। और यहाँ पर दोस्तों भाई जो है नंबर 4 बोलता है अरे भाई अब तो रिवाइव कर दो। मैंने कहा पे नंबर 4 तूने अभी हमारा गेम प्ले नहीं देखा क्या, तुझे अभी भी डाउट हो रहा है क्या हम तेरे को जिंदा नहीं करा पाएंगे? मतलब मैंने कहा रुक जा यार, सबर कर यार थोड़ा, मतलब अभी तेरे को हम रिवाइव दिला देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भाई नंबर 4 को हम ऐसा बोलते हैं। और मैंने इसलिए भी बोला था नंबर 4 को ऐसा क्योंकि भाई मुझे पता था इसको मैं रिवाइव कर दूंगा तो भाई फिर किल डिवाइड हो जाएंगे और भाई फिर ये किल चुराएगा, कोई यहां से किल चुराएगा कोई वहां से किल चुराएगा। फिलहाल तो यहां पर जो है इसकी पेटी थी ना, मतलब ये जो मैं लूटा पार्टी करने आता हूं, मुझे सस्ती वाली फ्लेयर गन मिल जाती है जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि भाई सस्ती वाली फ्लेयर गन ना भाई थोड़ा जो आपका स्प्रे ना वो थोड़ा स्टेबल कर देती है। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर जो है मैं देखता हूं भाई रिकॉल सेंटर की तरफ भी फायर आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से भाई चलते हैं भाई। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं जो थोड़ा बहुत कूड़ा भी बीनता हुआ जा रहा था धीरे धीरे। और यहां पर दोस्तों मैं ना जब आगे बढ़ रहा हूं गाड़ी की तरफ तो मैं देखता हूं डेंजरस जाके घास भी लूट गया। मैंने कहा पक्का कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहां पर मैं इसको देख के भाई मैं भी इसकी नकल करता हूं। तू मेरी नकल करता है? नहीं। और यहाँ पर तो मैं देखता हूँ आपस में कुछ बंदे ना आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे ना बीड़ी लेके भाग रहे हैं। ओए तूने मेरी बीड़ी पी ली, तूने मेरी बीड़ी पी ली। तो मैंने कहा रुको यार हम तुम्हें अभी पिलाते हैं बीड़ी सबको। तो यहाँ पर तो एक बंदा भाई शील्ड लगाता है और बोलता है नहीं नहीं भाई मैं आराम से बीड़ी पीऊंगा बैठ के, तुम चाहे कितना भी जो है फायर कर रहे हो लेकिन बीड़ी मैं पहले खुद पीऊंगा। तो यहाँ पर तो भाई मैं जो उसके ऊपर फायर कर रहा हूँ, मैं उसकी शील्ड तोड़ने कुछ करता हूँ और भाई वो मस्त बैठ के बीड़ी पी रहा होता है। मैंने कहा भाई उन लोगों ने 500 का बंडल चसा लिया, सामने देखो भाई मारो उनकी शील्ड तोड़ो और उनकी पिटाई करो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों भाई मेरे टीममेट और मैं मिलके भाई कोई भी शील्ड तो तोड़ नहीं पाता। तो मैंने बोला तुमसे ना हो पाएगा भाई, एक काम करो गाड़ी में बैठो भाई तुम लोग। और डेंजरस भाई को बोलता हूँ डेंजरस भाई यार जरा दो ना यार जरा दो ना दो ना। तो यहाँ पर डेंजरस भाई बोलते क्या चाहिए, मैं बोला हाज बोला। और यहाँ पे दोस्तों भाई मैं लगाता हूँ एक पेप्सी का गोला और भाई यहाँ से निकल जाता हूँ चूरड़ की शूट में धूम मचाते हुए अपनी टीममेट को लेके। अरे इसको रिकॉल भी करना है 4 नंबर को। अरे दो टीमें उधर देखो, उधर रुके। हाँ तो अपने ऊपर रुकते हैं ना, ओपन बंदा रहे तो राइट चलो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखते जाना भाई डेंजरस भाई जो है गाड़ी चला रहे होते हैं और भाई मेरे टीममेट के नशे देखना डाकू के। अरे इधर भी बंदे है ना, बात तो दिक्कत यही सारी है ना। बहुत सही रोका गोरा भाई, क्या बोला तूने? मतलब भाई नशा देख रहे हो, मतलब कमलेश तो भाई यूं ही बदनाम है, असली नशा तो डाकू करता है। मतलब भाई मैं गाड़ी चला भी नहीं रहा, बोलता है गौरव भाई सही जगह रोका एकदम तुमने। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ छत के ऊपर बंदे होते हैं, इसको मैं फायर करके मारने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों काफी सारे बंदे होते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा ध्यान वही होता है और मैंने एक बम्बा नहीं मारता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भाई जो है मेरे हाथ से एक भी बंदा नहीं फूटता है और ना ही बंदे भर रहे होते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। मैंने कहा भाई यार ये किल ही नहीं मिल रहे, साथ ही किल है भाई, इनके मेरे ज्यादा किल होंगे तो भाई क्या ही गेम प्ले दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं जो भाई बहुत ज्यादा परेशान था। और अब जो है दोस्तों परेशानी के चक्कर में क्या होता है, आप करते हो गलतियां और अब मैं वही करने वाला हूँ इस गेम में, आप देखते जाना। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं जंप कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बंदा आए मैं उसको मारूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है कोई भी बंदा मेरे हाथ लग नहीं रहा होता है और भाई मैं जो है थोड़ा डर भी रहा होता हूँ क्योंकि भाई जब आपके किल होते हैं तो आप थोड़े पैनिक हो जाते हो। और यहाँ पे दोस्तों मैं जो है भाई आगे बढ़ता हूँ किल करने के लिए और अब देखो क्या होगा। थत पे। अब मैं इन लोगों को मारूं, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो एक बांगड़ी वाला आता है और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको काफी सारे हिट देता हूँ, लेकिन भाई ये जो है बच जाता है और भाई उसकी बागड़ी से पूरा धुआं हुआ निकल जाता है। लेकिन भाई मैं जो है पीछा नहीं छोड़ता हूँ, मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मैंने कहा भाई आज तो उतार के रहूंगा, आज मैं बनूंगा सस्ता जोनासन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे से तो एक भी बंदा नहीं उतरता गाड़ी से, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता भाई पीछे चलो इनको मारूंगा भाई, मैं कैसे कुछ भी करूँ भाई इनके पीछे चलो भाई जल्दी आओ भाई गाड़ी में बैठो, वो बंदे उधर गए, मैं इनको भाई मार्क कर देता हूँ। और मैं बोलता हूँ भाई रश करने चलो भाई अरे भाई घर में कूड़ा मत बीनो भाई, कितना कूड़ा बीनते हो भाई, क्या करते हो भाई, चलो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों भाई मैं अपने टीममेट को सबको मतलब इतना वक्ता हूँ कि उनको मजबूर कर देता हूँ और भाई गाड़ी में बुला लेता हूँ। ठीक है। 4 नंबर ये कॉल कर दिया।
और हमने बोला अरे भाई चार नंबर तुम कहाँ आ रहे हो भाई। मैंने बोला चार नंबर भाई बारात जा रही है, शादी का नोटा नहीं है कि जो तुम भी चल पड़ोगे, बारात में लिमिटेड लोग ही जाते हैं, तो यहाँ पर सब नंबर चार को भाई रिकॉल सेंटर में छोड़ देते हैं। और मैंने बोला तू यहाँ पर रिकॉल कर दियो, हम लोगों को मर जाए तो, और यहाँ पर सब देखते जाना क्या होगा। दो टीमें लेकिन ये देखते रहना, ऊपर वाले मार रहे हैं ना, ऊपर वालों को मार रहे हैं। अब यहाँ पर से हम आ तो जाते हैं भाई, और ये लोग जो है स्क्वाड हाउस की तरफ में होते हैं, और भाई हमें ये वाला घर मिल जाता है। अब यहाँ पर से इस वाले घर में जैसे मेरा कब्जा होता है तो मैं सोचता हूँ चलो भाई बंदर बनते हैं और मस्त खेल चलाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं भूल गया था भाई ये पोचिकनी नहीं है, ये अलग एरिया है, और यहाँ पे भाई आपको तो पता है पोचिकनी में तो मैं बंदर बन जाता हूँ मस्त। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे से गलती होने वाली है, अब देखते जाना। अब मुझे ना सामने बंदे दिख रहे होते हैं ठीक है, लेकिन अभी आप देखते जाना मैं नॉक क्यों। अब देखो वहाँ से ना कुछ फ्लैश हुआ था नीचे साइड से, तो मेरा भाई ध्यान जाता है और भाई खिड़की वाला बंदा मुझे नॉक कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई जिसने मेरे को मारा था ना उसका नाम था पापा नहीं मानेंगे, तो मैंने कहा रुक जा बेटा पापा नहीं मानेंगे क्योंकि पापा पहले रिवाइव होंगे और फिर तुम्हारी पापा पिटाई करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो है डाकू को बोलता हूँ बस एक बार रिवाइव कर दे, इसके पापा से तो बात नहीं करूंगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं जो है फटाफट से एक तकिया लगा रहा था ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियां। अरे शायद ये ऑलरेडी हो गए। और इतने में दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई वो वाले बंदों पे ना दूसरी स्क्वाड ने रश कर रखा होता है, और भाई वो जो है पापा नहीं मानेंगे को भाई मार देते हैं। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मतलब पापा नहीं मानेंगे को तो मेरे को मार रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है उसको तो मैं मार नहीं पाता हूँ, लेकिन भाई मैं जो है आगे बढ़ जाता हूँ बंदे मारने के लिए। और अब देखो बस क्या होगा, छत पे नहीं है अब भाई इतने सारे फुटस्टेप देखे मेरी टट्टी तो निकल जाती है क्योंकि मैं जोश जोश में हाथ हो गया था अंदर। और अब देखो मैं पहली किसी सिचुएशन में होता हूँ, एक बंदे को मस्त नॉक कर देता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसका दूसरा दोस्त आता है और मैं तो मस्त किल करूंगा और एडीएस खोल के बस सबसे गलती कर देता हूँ। अब यहाँ पर से आप सोच रहे हो आप नॉक कैसे हो गए, तो यहाँ पर भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी पास में भी एडीएस खोलना जरूरी होता भाई, इसको मैं आराम से पैर से मार सकता था, अच्छा खासा जिगल कर सकता था, लेकिन भाई यहाँ पे जो है किल की भूख और केड़ी का लालच आपको पैनिक कर देता है और भाई ज्यादा किल करने के चक्कर में आप नॉक हो जाते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं घुटने पे आ गया था, और भाई इस वाले मैच में ना दोस्तों यहाँ पे जो मैं इतना ज्यादा नॉक हुआ था ना, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ भाई, मतलब शर्म भी आती मुझे भी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये गेम है भाई, आप नॉक वॉक होते रहते हो, लेकिन असली बंदा वही होता है मतलब जो नॉक होकर रिवाइव हो, मतलब भाई देखो चलता रहता है यार नॉक नॉक होना तो भाई जिंदगी का जिंदगी में काम है अपना, लेकिन भाई पूरा फिनिश होना काम नहीं है अपना। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं फटाफट से मरने से पहले आखिर से पूरी कर लेता हूँ और पेप्सी घूट मार लेता हूँ, और भाई इसकी पेटी से मेरे को मिल जाती है काली डंडी और 6x, तो मतलब भाई आपको तो पता है M4 द गॉड गन 6x प्लस तवाई और भाई काली डंडी साथ में मिल जाए तो बस आहा और क्या चाहिए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं फालतू की सारी चीजें फेंक डालता हूँ और भाई अपने बैग को बस खाली वाली करता हूँ, और उसका दोस्तों अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई चलो फटाफट से बंदे मारते हैं, क्योंकि भाई मेरे अभी तक 8 ही किल हुए थे और मैं सोच ही रहा था कि यार इन सबके तो मस्त किल हो गए यार, कभी ये बार रहा कभी वो बंदा बार रहा, तो मेरे तो यार बहुत कम किल है, तो यहाँ पर तो मैं टेंशन में आ गया था और मैंने कहा यार अब तो किल करने पड़ेंगे मस्त वाले। और यहाँ पर हम जैसे जा रहे होते ना बस आप देखते जाना अब क्या होने वाला है। अब मुझे ना सामने बंदे दिख जाते दो मस्त ठीक है, तो मैं कूद जाता हूँ डीजर भाई को छोड़ के चुपचाप से, और भाई 6x बनाता हूँ फुल और भाई पहली नागिन को मारता हूँ। किधर किधर हो रहा भाई मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरा बंदा देखो भाई मूर्ति बन के उसको देख रहा है, तो भाई मैं हड़बड़ाहट में हो जाता हूँ क्योंकि डाकू मेरे से पूछता है कहाँ है बंदा, तो भाई मेरा एम भी चौक हो जाता है पहले तो, और भाई मैं किस तरीके से पहला बंदा फिनिश करता हूँ और किसी को कुछ नहीं बताता हूँ कहाँ है बंदा, चुपचाप से मस्त अपने किल चुरा लेता हूँ। और भाई मेरे यहाँ से 10 किलो आते हैं और मेरे चैन के साथ आते हैं, मैंने कहा मजा आ गया भाई 10 किलो हो गया अब ठीक है अब दिल को सुकून मिल गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाले बंदे को मारने के बाद हम धूम मचाते हैं और बंदे ढूंढते हैं कहाँ रह गए बाकी के। कहाँ पे अरे एक एचपी बग्गी वाला अब यहाँ पे धूम मचाते बता दीजिए भाई, आप देख सकते हैं हमारे टीममेट ने ना भाई बंदे को छुड़ा दिए होते हैं और भाई एक ही बंदा बचाता है, और अब देखो उसको मैं कैसे मारूंगा। अरे एक ही है। और भाई इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे उसको मारने के बाद सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं हमारे अलावा, अब यहाँ पे दोस्तों भाई उनको भी ढूंढने से पहले मैं जो आखिरी इच्छा पूरी कर लेता हूँ पेप्सी घूट मारता हूँ और फुल बूस्ट मार लेता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है भाई बूस्ट जैसे थोड़ा माइनर चीज लगती है। छत पे बंदा लेटा है भाई, तो गाड़ी है भाई यार, तो भाई कह रहे गाड़ी है मसला हो गया। अब यहाँ पर सुबह इन लोगों को ढूंढते हम जो स्कूल वाले रिकॉल सेंटर की तरफ आते थे और भाई हमारे जीप में ना पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो मैंने डाकू को बोला शायद वहीं होंगे यार बंदे और वहीं कैंप कर लेते हैं ठीक है, वो वाला जो एरिया ना मस्त लग रहा है मेरे को ठीक है, घर भी मस्त लग रहे हैं और ओपन में भी नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो डाकू बोलता है वहाँ पे तो बंदे ऑलरेडी, और मैंने कहा अरे भाई हो गया काम बस। अब यहाँ पर डाकू और जो है नंबर 4 भाई पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पे, तो भाई इनकी फाइट पहले ही होने वाली हमें पता था, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो सोचता हूँ इनको कवर दूंगा पीछे साइड से जाता हूँ ठीक है, और अभी आप देखते जाना बस क्या होने वाला है। अब भाई मेरी टट्टी निकल जाएगी, क्यों निकलेगी बस आप देखते जाना। अब भाई जैसे दोस्तों मैंने देखा यहाँ पे सिलाई मशीन वाला है, तो मैंने कहा अरे भाई ये तो मेरे को मशीन में सील देगा भाई पकड़ के मेरा कपड़ा, और यहाँ पर तो भाई मैं जो है फटाफट से इसको मारने की कोशिश करता हूँ साइड से, लेकिन भाई ये जो है अच्छा खासा कवर ले रहा होता है इस टेम्पो का मतलब ट्रक का, तो मैंने कहा यार भाई इसके पास सिलाई मशीन है भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई 1v1 लेने की। और भाई मैं देखो जब भी आप लोगों को बता दूं आप कभी भी क्यों पिटते हो, जब आप पैनिक होते हो ना डरते हो तो भाई आप पिटते हो,
और भाई वही हुआ मेरे साथ। देखो अब मैं यहाँ पैनिक करता, मैं डर गया था ठीक है उसकी फ्लाई मशीन की बात सुन के। और भाई इतने दोस्तों आप देखते हो बैक टू बैक पहला नंबर गया, दूसरा नंबर गया, और भाई मैं भी घुटने पे था। अब बचे थे डेंजरस भाई और मैं। डेंजरस भाई हाथ लगा दो पहले, हाथ लगा दो राइट में, शील्ड बनो राइट में। और अब आप दोस्तों यहाँ पे बताओ क्या हम चिकन डर कर पाएंगे? अगर हम यहाँ पे दोस्तों चिकन डर कर दिया तो एक लाइक तो बनता ही है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हम जो चिकन डर कर पाएंगे, और अभी आप देखते जाना क्या होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को बिल्कुल जो है मतलब बोलते ना 2 HP पे भाई डेंजरस भाई ने रिवाइव करा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले तो लगाता हूँ एक लैपटॉप, और मैंने कहा डेंजरस भाई जब तक मैं लैपटॉप लगा रहा हूँ ना बस तब तक संभाल लो, तो फिर तो हम जीत जाएंगे पक्का। अब यहाँ पे दोस्तों भाई मेरा लैपटॉप पूरा लग जाता है, और एक बंदा कूदता है क्रिश की तरह और डेंजरस भाई को भी नॉक कर देते हैं। अब बचा था दोस्तों यहाँ पे लास्ट बंदा जीत को दोस्तों यहाँ पे जो मैं फिनिश कर देता हूँ, और भाई साहब इसी का दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे चिकन डर हो जाता है। और अब बात थी दोस्तों यहाँ पे जो है किसने सबसे ज्यादा किल करे है, और भाई कौन सी ये रैंक थी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ भाई जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा भाई फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो भी लाइव स्ट्रीम देखना चाहता है उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो भाई जाके भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में। धन्यवाद।